किसी भी वार्ड से दो की लड़ाई होती है, अगर आप लड़ रहे हैं तो आप चुनौती किसे मानते हैं और प्राथमिकताएं यहाँ की क्या हैं, ये भी जानना चाहेंगे। चुनौती मैं शिव यादव से मान रहा हूँ, दूसरे नंबर पर वही रहेंगे हमारे लड़ाई में शिव यादव जी। और प्राथमिकता का जनता की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ेंगे, कहीं बिजली का संकट, कहीं पानी का संकट, कहीं ट्रांसफार्मर यहाँ फूका गया था सलोनी महिमापुर में, गाँव भर दौड़ रहा था 9 दिन से, अब फिर मैंने सिफारिश करके लगवाया, कोहरे में जल गया, लोग बताए कल सिफारिश करके लगवा दूंगा, यही सब समस्याएं हैं। मतलब आपने भरपूर ख्याल रखा है जनता का। पूरा देख रहे होंगे सुबह से वार्ड संख्या 71, 72, 73 और अब हम वार्ड संख्या 4 में हैं। वार्ड संख्या 4 में जहां पर हम पहुंचे हुए हैं, ये सलोनी महिमापुर पतहना चौराहा बताया जाता है, तिराहा बताया जाता है, लेकिन यहां पर जो शख्स हमारे बगल में खड़े मौजूद दिख रहे हैं, ये सर आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी इसी वार्ड का हूं। अच्छा अच्छा, जीता हुआ प्रत्याशी। ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश सिंह हैं जो भकुरा गांव के निवासी हैं, इनके बारे में मैंने सुना था लेकिन आज पहली मुलाकात हुई है, हम जानना चाहेंगे इनकी प्राथमिकता क्या है, ये किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या रुझाने इनको समझ में आ रही है। ओम प्रकाश जी, आप हमारे चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राथमिकता के तौर पर जो मुद्दे हैं मूलभूत, उनको आप कैसे रख रहे हैं और लोगों का विश्वास आप पर कितना बढ़ रहा है? चूंकि मैं यहाँ का स्थानीय हूँ और यहाँ से चुनाव मेरी पत्नी उषा सिंह लड़ रही हैं और मैं प्रचार में जा रहा हूँ, यहाँ के सारे लोग, पूरे क्षेत्र की जनता हम लोगों को बड़ा सम्मान देती है, बहुत दिन से लगाव है। मैं चुनाव भी लगभग, मेरा अंदाज है कि मैं 2200 पोलिंग से चुनाव जीत रहा हूँ। अच्छा। एक नहीं 2200 पोलिंग से। आप अपनी लड़ाई जो है, जैसे ये तो होता ही है कि किसी भी वार्ड से प्राथमिकता क्या रहेगी और किसी भी वार्ड से दो की लड़ाई होती है, अगर आप लड़ रहे हैं तो आप चुनौती किसे मानते हैं और प्राथमिकताएं यहाँ की क्या हैं, ये भी जानना चाहेंगे। चुनौती मैं शिव यादव से मान रहा हूँ, दूसरे नंबर पर वही रहेंगे हमारे लड़ाई में शिव यादव जी। और प्राथमिकता का जनता की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ेंगे, कहीं बिजली का संकट, कहीं पानी का संकट, कहीं ट्रांसफार्मर यहाँ फूका गया था सलोनी महिमापुर में, गांव भर दौड़ रहा था 9 दिन से, अब फिर मैंने सिफारिश करके लगवाया, कोहरे में जल गया, लोग बताए कल सिफारिश करके लगवा दूंगा, यही सब समस्याएं हैं। मतलब आपने भरपूर ख्याल रखा है जनता का। पूरा जनता का भरपूर ख्याल रखते हैं और लोगों के बीच मौजूद है। यहाँ से एक बार जिला पंचायत सदस्य का भी उन्हें अवसर मिला, ये जिले की सदन में गए और फिर से उसकी उस दौर की पुनरावृत्ति करने के लिए जनमानस के बीच जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।